उसे हम प्रपात कहते हैं, झरना कहते हैं, और वही पानी हमारे होठों पे आ गया तो वो आर्द्रता है, और वही पानी हमारी आंखों से गिरा तो आंसू है, और वही पानी यदि तवे पर गिर गया तो भाप बन के उड़ गया, और वही पानी किसी विष सर से निकल रहा है तो विष है, है जल, लेकिन हर बार आकृति बदलने के कारण, स्वभाव बदलने के कारण उसका नाम अलग हो गया। पानी है, एक रेखा है, एक लाइन, एक छोटा सा बिंदु आपने एक कागज पर बनाया, फिर एक छोटी सी लाइन खींच दी तो वो लाइन है, और तीन जगह से उस लाइन को जोड़ दिया तो वो त्रिभुज है, गोल खींच दी तो वृत्त है, और वो बहुत सारी लाइनों को मिला दिया तो वो नक्शा बन गया किसी मकान का, किसी दुकान का, किसी पुल का, किसी महल का, है वो रेखा। तो एक रेखा है, लेकिन उसके रूप बदलने लगे तो वो अनेक नामों से जाने जाने लगे। तो मनुष्य हम एक ही हैं, पिंड एक ही है, पंच महाभूत एक हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए तो एक की किडनी दूसरे में लगा देते हैं, एक की आंख दूसरे में लगा देते हैं, एक का हृदय दूसरे में लगा देते हैं, एक का लिवर दूसरे में लगा देते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, रक्त एक दूसरे में चढ़ा देते हैं। मूल रूप से हम एक हैं, लेकिन रंग बदलने से, भाषा बदलने से, कुल गोत्र बदलने से हमारा परिचय अलग अलग हो गया। तो नारायण ने चीज एक ही है, लेकिन उसे जल, लाइन, जीव, कुम्हार के हाथ में मट्टी आई, अब उसका मन है, उसने उसके कुल्ला सकोरा बना दिए, चिलम बना दी, सुराई बना दी, है मिट्टी मूल रूप में, लेकिन जैसी आकृति वैसा उसका नाम दे दिया। भगवान अपने आप में भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि और नासे नीर। जो पंच महाभूत को जानता है, जो पंच महाभूत ही है, वही भगवान है, जो हम सब हैं, अमृतस्य पुत्रः, इसीलिए कहा। तो ये जो दिख रहा है कि मूल रूप से एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से इन्हें जाना जा रहा है, वो अनंत सत्ता का अकेला कारण बन गया, फैल गया, सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र पार्ताय, सहस्त्र शीर्षा, नमस्तु अनंताय, उसके हजारों मुख बन गए, हजारों पैर बन गए, हजारों सिर बन गए, अनंत हो गया, उसे कोई जान नहीं पाया। एको हम बहुश्याम, एक बार उसने सोचा मैं अनंत हो जाऊं, वो बिखर गया, पहल फैल गया, मैं तो महियान, अरुणयान, कण कण बन के बिखर गया पूरी सृष्टि में, हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाओं में, हर एक कोशिकाओं में प्रवेश कर गया, वायु बन के रक्त में चला गया। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, जठरे जननी पुनरपि शयनम। यदि तो उसकी माया के भित्ति को तोड़ के आप बाहर नहीं निकल पाए, तो उसने आपके लिए गति निश्चित कर दी कि यदि तू मुझे नहीं छू पाया, जैसे छोटे बच्चे आइस पाइस का खेल खेलते हैं कि हैं सब वहीं, लेकिन जो छू लेगा, छूना है। नारायण यही है, मुझ में, आप में, हर वस्तु में, लेकिन आइस पाइस है, छुपा हुआ है, आपको पकड़ना है। इसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा, दिव्य आंखें लानी पड़ेंगी, दिव्य भाव, मन को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, शरीर को ताकतवर, स्वस्थ रखना पड़ेगा कि कहीं प्रमाद में ना घिर जाऊं। कैसा बनाया उसने इस धरती को कि उस धरती में से एक जगह से गन्ना भी निकल रहा है, एक जगह से लाल रंग का फूल निकल रहा है, एक जगह से गोभी का फूल निकल रहा है,
एक जगह से अनार का वृक्ष निकल रहा है, एक ही धरती एक ही खेत में से कैसा उसने बनाया, एक ही तरीके मानव में से न जाने कितने गुण उसने डाल दिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पन्न और इस सबका कारण बन गया, सत्य होकर बिखर गया, तापत्रय विनाशाय, आदि व्याधि और उपाधि कोई अभाव के लिए हम उल्टा कर रहे हैं कि हमें जब अभाव होता है तो हम जगत से मांगते हैं और देने वाला है जगन्नाथ, मांग रहे हैं जगत से। सदा श्री ब्या, सदा श्री ब्या, सदा श्री ब्या, श्रीमद् भागवती कथा कितना सुना जाए, दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मत, सदैव सुने, कितना सुने, कब तक सुने। सदा श्री व्यास, सदा श्री व्यास, श्रीमद् भागवती कथा सदा सुने, सदा सुने। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिं चित्तं समाश्रये, क्योंकि इसके ही सुनने मात्र से नारायण हृदय में प्रवेश कर जाता है, भगवान स्वयं हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सौनक और सूत कथा सुन रहे हैं, परीक्षित और वज्रनाभ सांडल्य ऋषि से कथा सुन रहे हैं और 16,100 रानियां भगवान कृष्ण की, महारानी कालिंदी से भगवान की कथा सुन रहे हैं। सूत सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, परीक्षित और वज्रनाभ सांडल्य ऋषि से, सुखदेव मुनि से कथा सुनने से पहले परीक्षित वज्रनाभ जी के साथ सांडल्य मुनि से भी कथा सुन चुके थे, भगवान की लीलाएं सुन चुके थे। 16,100 रानियां महारानी कालिंदी से ब्रज में भगवान की लीलाएं का श्रवण कर रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम भगवान के बिना नहीं रह पाते, आप भगवान के ब्रह में कैसे रह लेती हैं। कालिंदी मां से पूछा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवात्मा रस्तिराधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहो इष्मान न संस्पृशे। कालिंदी जी ने बोला कि कृष्ण भगवान आत्मा राम है, लेकिन उनकी भी आत्मा, ध्रुव आत्मा जो है वो राधिका जी है, भगवान का आधार राधिका है और हम राधिका जी के साथ रहते हैं, इसलिए भगवान का विरह हमें सताता नहीं है। जब भगवान जाने लगे तो उद्धव ने पूछा कि नारायण आप जा रहे हैं, अब कली काल में हमारी रक्षा कौन करेगा।